नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु। दोस्तों, हम सभी सफलता के पीछे भागते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन हमें जब अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है तो हम अपनी किस्मत का दोष देकर बैठ जाते हैं। फिर चाहे वो हमारा कोई बिजनेस हो, कोई शॉप हम कर रहे हो, कोई दुकान खोल रखी हो, या फिर हम YouTube पर काम कर रहे हो। बहुत सारे YouTube पर लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा है करियर बनाने के लिए YouTube। यहाँ पर बहुत पैसा है, लाखों पैसा है, लेकिन पैसा आप ऐसे तो नहीं कमा सकते हैं। कोई घर बैठे पैसा आपको नहीं दे सकता है, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, कर्म करना होगा, और मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी। दोस्तों, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो देखिए कि मैं अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता हूँ, कोई बहुत बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बल्कि मैंने गलतियाँ की हैं और उन गलतियों से मैंने सीखा। तो जो कुछ दो ढाई साल में मैंने सीखा है फ्रेंड्स, वो पूरा अनुभव मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा और बताऊँगा कि कैसे आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो जब हमारा बुरा वक्त आए तो कभी हमें घबराना नहीं चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान के जीवन में, इंसान के लाइफ में एक बार बुरा वक्त ज़रूर आना चाहिए। आप सोच रहे होंगे ये ऐसा क्यों कह रहा है, जब बुरा वक्त आता है तो आप लोग या हम लोग सब यही कहते हैं कि हे ईश्वर, कभी किसी का बुरा वक्त ना आए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बुरा वक्त ज़रूर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए फ्रेंड्स? क्योंकि बुरा वक्त आपको वो सिखा देता है जो अच्छा वक्त आपको कभी नहीं सिखा सकता। बुरा वक्त आपको वो बना सकता है जो अच्छा वक्त आपको कभी नहीं बना सकता। फ्रेंड्स, बुरा वक्त आपको उन बुलंदियों पर पहुंचा सकता है जो अच्छा वक्त आपको कभी नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, वो बुरा वक्त ही होता है जब आप अपने किसी अपने को परख सकते हैं कि आपको अगर मान लीजिए कुछ पैसों की ज़रूरत है और आपको उस ज़रूरत पर कौन आपके साथ खड़ा होता है, ये आप बुरे वक्त में ही पहचान सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तब तो आपके पीछे बहुत सारी लाइंस लगी होंगी बहुत सारे लोगों की। अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आपका स्वास्थ्य ख़राब है, तो आपकी बांह पकड़कर कौन अस्पताल तक लेकर जाता है, ये आप बुरे वक्त में ही जान सकते हैं। अच्छे वक्त में जब आप अच्छे भले दौड़ रहे होते हैं तब आपके पीछे दौड़ने वाले बहुत आ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, बुरे वक्त में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अगर बुरा वक्त आए तो उस बुरे वक्त में हमें संघर्ष करना चाहिए और उस बुरे वक्त में हमें सीखना चाहिए। तो दोस्तों, अब YouTube की बात करते हैं। मान लीजिए YouTube पर आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि आप YouTube पर कहाँ गलती कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलती तो आप तब कर देते हैं, पहली गलती आप ये करते हैं कि आप टॉपिक ही नहीं पता होता आपको और आप चैनल बना देते हैं और वीडियो अपलोड करनी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो आप फ्रेंड्स ये सोचिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोस बनानी है, आपको किस चीज़ में नॉलेज है। देखिए, जब जिस चीज़ में आपको नॉलेज होगा, जिस चीज़ में आपको अपने आप ज्ञान होगा, उसी टॉपिक पर आप बोल सकते हैं, अन्यथा आप बोल नहीं सकते हैं। अगर किसी को देख कर आप वो चीज़ करने जाएंगे तब आप कभी उस टॉपिक पर बोल ही नहीं पाएंगे, दो चार मिनट के अलावा ज़्यादा बोल ही नहीं सकते। इसलिए टॉपिक आप अपना चुनिए, जो चीज़ जिस चीज़ में आपको रुचि है। ज़रूरी नहीं कि आप एक टैग चैनल ही बनाएं, ज़रूरी नहीं कि आप एक कॉमेडी चैनल बनाएं, ज़रूरी नहीं कि आप एक कुकिंग चैनल बनाएं। आपको जिस चीज़ में रुचि है उस टॉपिक को आप लेकर आइए, उस टॉपिक पर आप बहुत अच्छे से बोल पाएंगे। दूसरा फ्रेंड्स, टॉपिक वो चुनिए जिस टॉपिक पर आप कुछ दिन तक, यानी कि अगर नहीं ज़्यादा तो कम से कम एक डेढ़ साल तक वीडियो बना सकें। ऐसा इसलिए होता है कि चूँकि जब आप YouTube पर आते हैं, और मान लीजिए मैं इस टॉपिक पर डिटेल में आपको आगे भी वीडियोस बनाकर दूंगा, क्योंकि ये आप 5-7 मिनट में मैं आपको नहीं समझा सकता। तो जब आप YouTube पर आते हैं तो अगर कोई व्यूवर आपके चैनल पर आता है तो आप अलग अलग टॉपिक्स की वीडियो बनाएंगे। आज ऑनलाइन अर्न मनी, फिर कल किसी ऐप की रिव्यू कर रहे हैं, परसों आप कोई और वीडियो बना रहे हैं, नर्सों कोई और नॉलेज दे रहे हैं। तो फिर अगर वो कोई आएगा एक वीडियो देखकर, मान लीजिए आपने यूट्यूब से रिलेटिव कोई वीडियो बनाई या ऑनलाइन अर्न की से रिलेटिव कोई बनाई वीडियो बनाई और उस वीडियो ने आपको 4-6 सब्सक्राइबर दिए, तो फिर जब आप अगली वीडियो अपलोड करेंगे किसी दूसरे टॉपिक पर, तो जो आपके उस वीडियो पिछली वाली वीडियो के सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो नहीं देखेंगे, चूँकि उनको उस वीडियो में रुचि ही नहीं है, और हो सकता है वो आपको अनसब्सक्राइब भी कर दें। तो इसलिए फ्रेंड्स, ऐसा टॉपिक चुनिए जिस पर आप एक लंबे समय तक काम कर सकें और कम से कम साल डेढ़ साल तक उस टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना सकें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आप सफलता को छुएंगे, आप सफल हो जाएंगे, इसमें कोई आपको नहीं रोक सकता। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, जी जान से मेहनत करनी होगी, मैं समझता हूँ दिन रात मेहनत करनी होगी। लगातार आपको एक दिन में सफलता नहीं मिल जाती है फ्रेंड्स। सफलता पाने के लिए
आसमान पर चढ़ने के लिए अगर आज हिंदुस्तान चंद्रयान पर पहुंच रहा है, क्योंकि 7 तारीख को आप लोग जानते हैं चंद्रयान लैंड करेगा, तो ये कोई 1-2 दिन की मेहनत नहीं है। इसमें हजारों वैज्ञानिक लगे हैं, सालों लगे हैं, करोड़ों रुपए लगे हैं, तो ये 1-2 दिन में नहीं हुआ, एक लंबा पीरियड चला है इसका फ्रेंड्स। तो इसलिए एक लंबे समय तक आपको काम करना है और एक न एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप अपने बुरे वक्त में, यानी कि उस वक्त में जब आप संघर्ष कर रहे होंगे, उस वक्त में आप गलतियाँ नहीं करेंगे और उस दौर से सीखेंगे। दोस्तों, अगर मेरी बातें कुछ अच्छी लगी हों तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज इस टॉपिक पर लेकर आऊँगा, इसीलिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है ताकि आप लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ। तो दोस्तों, वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, हम आज के लिए यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करेंगे और आगे बहुत जल्द आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।